वीडियो में मैं आपको दूध के साथ ब्लीच बनाने का तरीका बताऊंगी। दूध के साथ ब्लीच बनाने का फायदा ये होता है कि एक तो उसे फ्राई करने से जलन नहीं होती, दूसरा ब्लीच का रिजल्ट कहीं ज्यादा हमें मिलता है। तो आप जो भी ब्लीच इस्तेमाल करती हैं आप वही इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यहाँ पार्ले ब्लीच इस्तेमाल करूँगी। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, कच्चा दूध ले लें, और चाहिए ब्लीच पाउडर, साथ में आपको शूटिंग लोशन चाहिए, और एक साशे आपको ब्लीच का चाहिए। एक खाली आप बाउल में आप थोड़ा सा दूध शामिल करें, एक से दो जो है वो छोटे चम्मच आपने दूध शामिल करना है। मैं चेहरे के लिए बना रहे हैं तो आप आधा चम्मच ब्लीच पाउडर शामिल कर लें, क्योंकि चेहरे की स्किन सेंसिटिव होती है। अगर हाथों पाँव के लिए बना रहे हैं तो आप एक चम्मच भी ब्लीच पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें, आप इसको इतना मिक्स करें कि ब्लीच के जो दाने हैं वो अच्छे से घुल जाएं। मेरे पास ये ब्लीच के दाने अच्छे से घुल गए हैं, अब मैं इसमें ब्लीच शामिल करूंगी। ब्लीच आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, और चंद कतरे आप शूटिंग लोशन के इसमें डालें। हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और ये ब्लीच तैयार हो जाएगी हमारी। ब्लीच हमारी अच्छे से मिक्स होके तैयार हो गई है। इसको साफ ब्रश की मदद से आप चेहरे पे अप्लाई कर लें। मैं यहाँ आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने 10 मिनट का टाइम दे दिया था अपनी ब्लीच को। आप देख रहे हैं कि 10 मिनट बाद खुशक हो गई थी, और हल्का सा आप दूध या पानी लगाएं हाथ को, और ब्लीच को अपने हाथ पे हल्का सा जो है मसाज करते जाएं। ब्लीच को 10 मिनट टाइम देने के बाद मैंने उसका मसाज किया हाथ पे ताकि अच्छे से इसका रिजल्ट हमें हासिल हो जाए। तो उसके बाद मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए। फर्क आपके सामने है कि दूध के साथ ब्लीच का हमें जो है रूटीन से कहीं ज्यादा रिजल्ट मिलता है, और दूसरा ना तो हमें ब्लीच की स्मेल आती है, ना इसकी किसी किस्म की कोई जलन होती है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आखिर मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, साथ ही बेल के आइकन। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती।